बेगूसराय गोलीबारी मामले के बाद से लगातार बीजेपी बिहार सरकार पर हमलावर है। आरोप लगाया जा रहा है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है, अपराधियों में पुलिस का डर नहीं है। इस वक्त हम बेगूसराय में स्वर्ण जयंती पुस्तकालय में, यहाँ पर गांधी प्रतिमा के सामने देखिए राकेश सिन्हा बीजेपी के राज्यसभा सांसद जो हैं धरने पर बैठे हुए हैं, एक दिन का ये सांकेतिक अनशन कर रहे हैं। इनके साथ में बीजेपी के यहाँ पे कार्यकर्ता स्थानीय लोग भी हैं। जो जिस तरह से घटना हुई है उसके खिलाफ में यहाँ पर जो राकेश सिन्हा है आज धरना दे रहे हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। राकेश जी, जो इतनी बड़ी घटना हुई, आज तक भारत में ऐसा नहीं हुआ था कि 10 लोगों को गोली मार दिया गया एक दिन में एक साथ। देखिए, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है यहाँ की कानून व्यवस्था को और औद्योगिक विकास को तहस नहस करने का। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस की निष्क्रियता और पुलिस की निष्क्रियता के साथ राजसत्ता की उदासीनता ने इस घटना को एक वैधानिकता देने का काम किया है। मुख्यमंत्री पटना में है, तेजस्वी यादव वहाँ हैं, इन दोनों में से किसी ने भी जो लोग घायल हैं या जो मृतक परिवार है उनसे मिलने की आवश्यकता समझी है। इस साफ तौर पर नीतीश कुमार जी इसे और जातीय रंग देकर ये दिखा रहे हैं कि लोहिया के जाति विहीन समाज की प्रतिबद्धता के साथ काम करने वाले लोहिया के कथित सेनानी आज जातीय विमर्श को बढ़ाकर बिहार के ताने बाने को तहस नहस करना चाहते हैं। कोई ट्वीट तक नहीं किया गया है ना इस मामले में, ना सीएम की तरफ से ना डिप्टी सीएम की तरफ से। देखिए, जिस प्रकार की कानून व्यवस्था के प्रति उदासीनता है, लग रहा है कि सरकार भू माफिया, शराब माफिया और बालू माफिया के बल पर चल रही है। जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। उसी बुलंद हौसले के साथ अपराधियों ने दिन दहाड़े बेगूसराय में लगभग 10 लोगों को घायल किया, एक लोगों की मृत्यु हुई। शायद ये संख्या और भी बढ़ सकती थी और पुलिस दो दिन के बाद आज अभी तक चुप्पी बनाए हुए हैं। मुझे लगता है कि बिहार सरकार को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और नैतिक जिम्मेदारी लेकर नीतीश कुमार जी को अपना पद छोड़ देना चाहिए। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, आज एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि वही लोग हैं जो इस घटना को अंजाम दिए। देखिए, पुलिस क्या कहती है, पुलिस के कहने के बाद हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन जिस किसी ने भी इस घटना को अंजाम दिया है, जो हाथ है और उसके पीछे जो मस्तिष्क है उसे उजागर करना बहुत ही आवश्यक है। यदि इस घटना को अंतिम सिरे तक नहीं ले जाया गया तो इस जिले में नहीं बिहार में एक अपराध का एक नई प्रवृत्ति जन्म ले लेगी। इसलिए अपराधियों को पकड़ना और अपराधियों के पीछे जो मस्तिष्क लगा है उसे उजागर करना ये हमारा नैतिक दायित्व है। सर, उधर जब घटना हुई थी तो कुछ आरोप लगाए थे आरजेडी का स्थानीय नेता कि बीजेपी का इसमें हाथ है सरकार को घेरने के लिए, बदनाम करने के लिए। क्या आपको लगता है कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन पर ये भी आरोप लगाया जा सकता है कि ये सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? देखिए, ये सिर्फ मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है जो आरजेडी के नेता दिखा रहे हैं। इस जिले में सौहार्द को समाप्त करने की जो कोशिश हो रही है और उस कोशिश को नाकाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य में अमन चैन और विकास की प्रक्रिया को तेज करना चाहती है। जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी है कि विकास और कानून व्यवस्था को संभालें, लेकिन कानून व्यवस्था को संभालने की जगह बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा करने की जगह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अन्य राज्यों के राजधानियों का दौरा कर रहे हैं। उन्हें प्रधानमंत्री बनने की चिंता लगी हुई है और राज्य बर्बाद हो रहा है, राज्य को अराजकता के दौर से गुजरना पड़ रहा है। इसकी पूरी जिम्मेदारी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की है। क्या लगता है उन लोगों को बीजेपी कार्यकर्ता कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, जिस तरह से कुछ लगता है साजिश भी हो सकता है? देखिए, मानसिक दिवालियापन का कोई तर्क नहीं होता है। जिस प्रकार का दिवालियापन सड़क पे दिखाया गया, यदि वही दिवालियापन प्रेस में दिखाया जाएगा, वही दिवालियापन राजसत्ता दिखाएगी, तो मुझे लगता है कि जनता को उठ खड़ा होना होगा और ये नारा लोहिया का जो नारा है लोहिया के कथित सेनानियों के लिए लगाना पड़ेगा। जिंदा कौम 5 वर्षों तक इंतजार नहीं करती है। जिसने कहा था कि जहां पर यह घटना हुई है वो अल्पसंख्यक का इलाका है, पिछड़ों का इलाका है, उन लोग को निशाना बनाया गया, लेकिन जिन लोगों को गोली लगी उसमें कई सवर्ण भी हैं, अनुसूचित जाति के हैं। जो जहां घटनाएं हुई वो भूमिहार डोमिनेटेड एरिया बताया जा रहा, हम वहां गए रिपोर्टिंग। देखिए, नीतीश कुमार जी का ये वक्तव्य दिखाता है कि कहीं न कहीं इसके पीछे षड्यंत्र है। जाति और धर्म को अपराध से जोड़ने की जो प्रवृत्ति है जिसके विरुद्ध वे स्वयं पहले बोलते रहे हैं, आज अपनी ही बोली का निषिद्ध कर रहे हैं। जो मारने वाला है वो अपराधी है, जो जिनकी हत्या हुई है, जो घायल हुए हैं वे निर्दोष व्यक्ति हैं। हम लोगों को जनता और अपराधी के तौर पे देखते हैं, नीतीश कुमार जातियों में बांट कर देखते हैं। ये दिखाया, यह इससे पता चलता है
कि जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन हताशा के दौर से गुजर रहा है। इनके पास सत्ता तो है लेकिन प्रतिष्ठा नहीं। आखिरी सवाल, क्या लगता है कि इसमें महागठबंधन के लोग का भी हाथ हो सकता है? देखिए, जब तक जांच नहीं होती है मैं कोई राजनीतिक आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि बिहार की सरकार अपनी संवैधानिक निष्ठा और दायित्व दोनों को निभाने में विफल हुई है। यदि उनके पास संवैधानिक निष्ठा और दायित्व होता तो बिहार सरकार का कोई न कोई मंत्री इन 11 परिवार के पास आता, बिहार सरकार कंपेंसेशन घोषित करती। ऐसा नहीं करके ऐसी उदासीनता दिखाकर नीतीश कुमार दिखाना चाहते हैं कि किसी खास क्षेत्र के लोगों के साथ वे भेदभाव कर रहे हैं। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, यदि नालंदा में घटना घटी होती यही घटना, तो क्या नीतीश कुमार यही बर्ताव रखते? यदि छपरा में ये घटना घटी होती तो क्या तेजस्वी यादव यही बर्ताव करते? तो मुझे लगता है कि राजनीतिक सत्ता पक्षपात कर रही है, भेदभाव कर रही है और अपराधियों को संरक्षण दे रही है। खास जिसका आपका इशारा भूमिहार समाज के तरफ, जिसकी आबादी यहाँ सबसे ज्यादा है। देखिए, मैं जाति विमर्श को राजनीति में या सामाजिक जीवन में लाने का विरोधी हूँ। बिहार जाति विहीन समाज की ओर बढ़े राम मनोहर लोहिया जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, महात्मा गांधी जी का जो सपना था कि जाति विहीन समाज की स्थापना हो, मैं उसके लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं अपनी मृत्यु के अंतिम क्षण तक किसी जाति विमर्श का हिस्सा नहीं बन सकता हूँ, न बनूंगा। नीतीश कुमार जी जो जाति विमर्श ला रहे हैं वो बिहार को एक महा अराजकता के दौर में ले जाएगा। जो जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश, वो बिहार को अराजकता के दौर में ले जाएगा ये कह रहे हैं। राकेश सिन्हा साफ तौर से कह रहे हैं कि ना बिहार सरकार का कोई मंत्री मिलने आया जिनको गोली लगी है, जो मरे उनके यहाँ ना उन लोगों को कंपनसेशन दिया गया। साफ दिखा रहा है कि एक विशेष समुदाय को यहाँ पर उनकी अनदेखी की जा रही है, उनको उनके खिलाफ जो है उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। मतलब इशारा एक भूमिहार समाज की तरफ कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ प्रशांत कुमार, एबीपी न्यूज़, बेगूसराय।